अस्सलाम वालेकुम साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं मैं आपके सामने एक खुशखबरी लेकर। उर्दू में बहुत अच्छी इस बार वैकेंसी आने वाली है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे। आप बने रहिए आखिर तक हमारे साथ वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही लाइक कीजिएगा। रीट 2021 में उर्दू के लगभग मेरे अंदाजे से 1000 पद आने की पूरी पूरी उम्मीद है, और ऐसा कहने के पीछे जो कारण है वो मैं आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करूंगा, जो कि आज मुख्यमंत्री डोटासरा ने जो शिक्षा मंत्री डोटासरा ने जो बयान दिया है उसी से रिलेटेड है। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि प्रारंभिक शिक्षा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक तृतीय भाषा के अध्ययन के इच्छुक 10 या 10 से अधिक विद्यार्थी होने पर अतिरिक्त तृतीय श्रेणी लेवल द्वितीय के पद का आवंटन किया जाएगा। इससे ये पता चलता है कि जो अभी उर्दू बचाओ आंदोलन चलाया गया था ठाकुर शमशेर बालू सिंह द्वारा, उसकी कामयाबी जाहिर होने लगी है। और जो सरकार ने शाला दर्पण पर अभी तृतीय भाषा चयन के लिए निर्देशन दिए थे सभी संस्था प्रधानों को, उससे ये क्लियर हो गया है। प्रारंभिक शिक्षा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक तृतीय भाषा के अध्ययन के इच्छुक 10 या 10 से अधिक विद्यार्थी होने पर अतिरिक्त तृतीय लेवल विद्यार्थी 500 अल्पसंख्यक भाषाओं के अतिरिक्त पदों का आवंटन होगा। और दूसरी एक और खबर, ग्राम पंचायतों के नवीन सृजन में उत्कृष्ट विद्यालयों का पुनर्निर्धारण किया जाकर लगभग 1350 अतिरिक्त पदों का आवंटन होगा। आज सीएम हाउस पर उर्दू बचाओ आंदोलन के ठाकुर शमशेर बालू ने मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री जी ने उर्दू के साथ न्याय करने की बात कही, और जो न्यूज कवरेज आज टीवी पर आया, क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी दी है। पिछले कई सालों में ये लंबित मांग थी। उर्दू, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी के शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उर्दू के लगभग 430 पद आज तक की मैपिंग के आधार पर हमारे बढ़ रहे हैं। हमारे अभी डोटासरा साहब ने कहा कि 430 पद जो उर्दू की मैपिंग जो हुई थी, अभी सभी स्कूलों में उर्दू के पद, उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की मैपिंग करवाई गई थी, उसमें 430 पद तो ये बता रहे हैं। साथ ही पहले से भी कुछ और पद उर्दू के खाली चल रहे हैं। इस हिसाब से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये उर्दू की विज्ञप्ति जब आएगी तो कम से कम जो उर्दू के पद आएंगे वो 1000 से 1500 के बीच आने की पूरी उम्मीद है। तो मेरी सभी तलबा से जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप दिल और जान से रीट की तैयारी में लग जाइए। बेशक ये साल आपका होगा, अपनी तैयारी में किसी तरह की कोई कमी ना रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम उर्दू से रिलेटेड, रीट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ इसमें अपडेट करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारी वीडियोज़ को जब आप देखें तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करने से हमारा भी हौसला बढ़ता है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इससे जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो सीधा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमारी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।